हेलो नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। जो अभी नई नियुक्ति होनी है उसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूं और एक ऑडियो भी सुनाने वाला हूं। एस के सोनी हैं जिला अध्यक्ष, इनने ऑडियो जारी किया है मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों को। अतिथि शिक्षकों को पूरे विस्तार से समझाया गया है कि जो नई भर्ती होगी वो किस आधार पर होगी, पुराने अतिथि शिक्षकों का क्या होगा, आगे भविष्य में इनकी नियुक्ति की जाएगी कि नहीं की जाएगी, और पोर्टल अपडेट को भी लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। पूरे प्रदेश भरे के अतिथि शिक्षकों के लिए ऑडियो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो है, ठीक है फ्रेंड्स। और संगठन क्या कर रहा है अतिथि शिक्षकों का, अतिथि शिक्षकों के लिए भविष्य में क्या योजना बनाई जा रही है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। और अतिथि शिक्षकों की भविष्य में क्या होगा वो भी जानकारी दी गई है, तो आप वीडियो में बने रहे। और अतिथि शिक्षकों को बाहर निकालने के लिए शासन ने कौन से आदेश जारी किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई। और मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षकों की आंखें खोली गई हैं, तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी वो कब तक पूरी होगी, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दी गई है। और अतिथि शिक्षक कब तक नियमित होंगे वो भी विस्तार से जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक शिक्षिकाएं, मेरा ऑडियो आप पूरा सुनें और सरकार की नीति को, षड्यंत्र को समझने का प्रयास करें। मेरे साथियों, अभी लोक शिक्षण संचालनालय से एक आदेश निकाला गया है जिसका क्रमांक अतिथि शिक्षक 86 5 जून 2024 को यह आयुक्त DS कुशवाहा जी के द्वारा निकाला गया। मैं अजित कुमार जैन शास्त्री टीकमगढ़ जिले से आपको अवगत करा दूं, इस आदेश के तहत नवीन पंजीयन एवं पुराने जो पंजीयन हैं अतिथि शिक्षकों के, उनमें अपनी योग्यता जुड़वाने के लिए और नए पंजीयन करवाने के लिए यह आदेश है। पूर्व में ही लगभग 10,97,867 अतिथि शिक्षक पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिसमें से 6,05,610 अतिथि शिक्षक कार्य करने योग्य वैलिड हैं। इसके उपरांत भी सरकार ने यह आदेश निकाला जिससे नए जो पंजीकरण होंगे उसमें फिर 2-4-5 लाख अतिथि शिक्षकों के पंजीकरण हो जाएंगे। और उसके उपरांत शायद सरकार की मंशा जो मुझे समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, उससे यह होगा कि नवीन तरीके से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और नया पैनल तैयार हर साल किया जाएगा, और नए पैनल तैयार होने पर जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक कार्यरत रहे हैं या कर रहे हैं वह सब बाहर हो जाएंगे और नए अतिथि शिक्षक उसमें समाहित हो जाएंगे और वह विद्यालयों में कार्य करेंगे। एक तीर से दो निशाने सरकार लगाने जा रही है और हम आपको बेरोजगार करने पर तुली हुई है। आप समझें कि जब हर साल नए आवेदन लेकर के नई मेरिट बनाई जाएगी और पैनल बनाया जाएगा तो अतिथि शिक्षक बराबर अनेकों साल तक कार्य नहीं कर पाएगा। 1-2 साल में नया अतिथि शिक्षक आएगा और उस जगह पर पहुंच जाएगा।
और उस जगह पे पहुंचने के बाद वह ना तो कोई आंदोलन करेगा ना कोई मांग करेगा। कारण यह होगा क्योंकि उसके एक दो साल ही हो पाएंगे, ज़्यादा साल नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार से सरकार अपने कार्यकाल के पूरा समय निकाल लेगी और आगामी समय में जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव आएंगे उस समय सरकार एक फतवा छोड़ेगी। जिस प्रकार से अभी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने घोषणाएं की और सभी अतिथि शिक्षकों को अपने पक्ष में लेकर के पूरी तरह से वोट और सपोर्ट और सम्मान और मालाएं पहन कर के और सरकार बना गए, और सरकार बनाने के बाद में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए सभी अतिथि शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि वह जागरूक हों और ये संगठन के जितने भी महानुभाव हमारे प्रिय पदाधिकारी गण हैं, जितने भी संगठन हैं, वह इस पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करें और अतिथि शिक्षकों के सामने अपनी योजना मांग को प्रदर्शित करें, जिससे अतिथि शिक्षकों को आप लोग अंधेरे में कदापि न रखें। यह मेरी मांग नहीं है अपितु पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का भविष्य डगमगा रहा है और उनकी आजीविका का साधन खत्म होने जा रहा है। और यह जो पंजीयन होकर के आगामी भविष्य की मैंने जो चिंता जाहिर की है, कदापि ऐसा अगर होता है तो सब बेरोजगार हो चुके होंगे। यह समझने का कष्ट करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने अपनी बात रख दी और हमेशा अपनी बात रखता आया हूँ, लेकिन संगठन के अलग अलग संगठन धड़ों में बटे होने के कारण, अलग अलग मांगों के कारण अतिथि शिक्षकों का आज तक कुछ नहीं हुआ। और अब अतिथि शिक्षक पूर्णतया समाप्ति के ओर जाने वाले हैं, यह आप समझ लें। धन्यवाद। मैं अजित कुमार जैन शास्त्री टीकमगढ़ ज़िले से आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि अभी भी जाग जाएं, नहीं तो सोते रहें और हमेशा सोते रहेंगे। धन्यवाद।